Mr. Narendra Modi at the dais. राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है और राष्ट्रीय ध्वज गार्ड के जवान इस समय लाल किले की प्राचीर के सामने से प्रस्थान कर रहे हैं और यहां पर वायु विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं। दो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर लाइन एस्टर्न फॉर्मेशन में, जहां पर विंग कमांडर अंबर अग्रवाल और विंग कमांडर राहुल नैनवाल पुष्प वर्षा कर रहे हैं उपस्थित जन समूह पर। मन में फूल खिल रहे हैं और आकाश से भी पुष्प वर्षा हो रही है और भारत मना रहा है अपना स्वाधीनता दिवस। उत्सुकता बढ़ती हुई उस अवसर के लिए जिसकी प्रतीक्षा वर्ष भर रहती है। As freedom reigns supreme, well, so does the rain and so do the flowers. National flag guard marching off away. They'll come back towards the closure of the program. राष्ट्रीय ध्वज गार्ड में सेना की टुकड़ी की कमान संभाली थी मेजर दिनेश एन ने। नौसेना की टुकड़ी की कमान संभाल रहे थे लेफ्टिनेंट कमांडर सचिन धनखड़ और वायुसेना की टुकड़ी की कमान संभाली स्क्वाड्रन लीडर सीएच श्रवण देवैया ने। दिल्ली पुलिस के जवान भी इस राष्ट्रीय ध्वज गार्ड में शामिल, जिनकी कमान संभाली है एडिशनल डीसीपी अचिन गर्ग ने। इंटर सर्विसेज गार्ड में इस बार समन्वय का दायित्व नौसेना को सौंपा गया था, जिसका नेतृत्व कर रहे थे कमांडर विनय दुबे।